प्रणाम, मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। युवा प्रतिष्ठान जगत जी माजी बंधु पंकज यादव यांनी हा समाजरत्न पुरस्कार देण्याचा सोहळा आणि त्यामध्ये म्हणजे आनंदाची गोष्ट अशी की माझा या ठिकाणी कार्यक्रम सादर होणार आहे आणि त्याचा लाभ सर्व प्रेक्षकांना या ठिकाणी पाहायला मिळणार आहे आणि जी प्रतिष्ठित 10 माणसं 10 व्यक्ती आहेत त्यांच्यासाठी हा सोहळा म्हणजे त्यांच्यासाठी हा पुरस्कार या ठिकाणी जाहीर होणार आहे समाजरत्न। तरी या प्रोग्राममध्ये आल्यानंतर मला भरपूर खुशी वाटते, आनंद वाटतो। माझ्या नावाप्रमाणे खरोखरच इतका तामझाम आणि सोहळा इतका ॲक्युरेट बनवलेला आहे की माझ्या अपेक्षेपेक्षा जास्त या ठिकाणी। मला असं वाटतं की खरोखर हा कार्यक्रम जर मी मिस केला असता तर मी काहीच करू शकलो नसतो। माझं भाग्य आहे की अशा ठिकाणी मला माझ्या प्रेक्षकांची सेवा करण्याची संधी मिळाली आणि पंकज यादव आणि त्यांचे सर्व सहकारी कार्यकर्ते यांनी या ठिकाणी मला आज परफॉर्म करण्याचा योग दिला, त्याबद्दल त्यांचं सर्वांचं आभार, धन्यवाद। ये समाजरत्न पुरस्कार जो है अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में जिन जिन लोगों ने काफ़ी अच्छी तरीके से अपनी भूमिका निभाई है वैसे लोगों को हम लोग समाजरत्न पुरस्कार दे रहे हैं। इसमें इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट किए हुए काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं, जैसे बैडमिंटन प्लेयर है, जैसे हॉकी गेम है, जैसे और भी ग्लैमर की दुनिया के भी लोग हैं जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। काफ़ी सोशल एक्टिविस्ट है जिन्होंने भारत में कई सारे स्कैम के पर्दे खोले हैं। ये सब लोगों को उनका गौरव करना आज बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनके ऊपर कोई मतलब कोई भी मीडिया वहाँ पे ध्यान नहीं जाती या लोगों का ध्यान नहीं जाता है बेसिकली। दूसरी बात हमारे सर के बारे में मैं ये कहूँगा कि मेरे को पर्सनली 5 साल लगे इनको यहाँ पे लाने के लिए। ये कितने फेमस हैं, मतलब ये महाराष्ट्र के पार्श्वगायक नहीं, ये पूरे भारत के पार्श्वगायक है। और अंबेडकरी अनुयायी जो रहते जो अंबेडकरी जनता है उनके लिए ये हमारे अमिताभ बच्चन से भी बहुत बड़े। पहले बात तो जो युवा का मतलब ये था कि यूथ आर द फ्यूचर ऑफ अ कंट्री, और मतलब इतना बड़ा अवार्ड है और जैसे रिसेंटली मुझे छत्रपति अवार्ड भी मिला, बट ये सब अवार्ड बिकॉज पंकज बहुत क्लोज है मेरे से और इस अवार्ड से हम लोग एज अ स्पोर्ट्समैन को और भी ऐसा अच्छा लगता है कि हम लोग और भी मेहनत करें और आने वाले समय में और भी ऐसे अवार्ड लेते रहे। बहुत अच्छा लग रहा है। मोटिवेशनल ऐसा एक प्रोग्राम इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, जो लोगों ने स्ट्रगल करके आपने ज़िंदगी बनाई है उनको अवार्ड के माध्यम से और प्रोत्साहन देने का काम, मोटिवेट करने का काम दर्शन कोपकर और उनके सभी साथियों ने युवा प्रतिष्ठान के माध्यम से किया है। मुझे लगता है इससे एक अच्छा मैसेज सोसाइटी में जाता है, वो जो जो लोगों ने स्ट्रगल किया है उनको भी एक प्रोत्साहन और मोटिवेशन मिलता है और उनको अवार्ड मिलते हुए देख के और भी अन्य युवाओं को भी मोटिवेट होता है कि हम भी उनके जैसा कुछ नाम कमाएं और एक दिन हमको भी इस तरीके का अवार्ड मिले। तो इसके वजह से इस तरीके के प्रोग्राम और होने चाहिए जिसके वजह से हमारे भारत देश में युवाओं को ताकत मिल सकती है और उनको मोटिवेशन मिल सकता है। पंकज जी के लिए क्या कहेंगे जो इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं, खासतौर पर समाज को बेहतर करने के लिए लगातार जी जान से कोशिश करते हैं? मुझे लगता है पंकज जी हो और दर्शन हो और उनके सभी जो साथी है उन्होंने जिस तरह ये जो प्रोग्राम लिया है वो समाज को बदलने का, परिवर्तन करने का एक काम ये इस माध्यम से होता है। इसी तरीके के जब युवा पंकज जी जैसे आगे आते हैं, काम इस तरीके का करते हैं, तो उसके वजह से ज़रूर देश में और सभी समाज में बदलाव आता है, बदलाव की सोच तैयार होती है। मुझे ऐसा लगता है कि पंकज जी, दर्शन, उनके सभी साथियों का मैं इस तरह अभिनंदन करूंगा और इसी तरीके के प्रोग्राम वो लेते रहे इसी तरीके की अपेक्षा उनसे करूंगा। फिल्म, क्राइम, राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़।